जैसा ही नाम दोस्तों, मेरा नाम है राज कटारिया। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार के अंदर। जी हां दोस्तों, इस बार हम लेके आए हैं अफोर्डेबल 2 BHK फ्लैट द्वारका सेक्टर 3 से मात्र 200 मीटर की दूरी पे। आपके लिए एक बार फिर से लग्जरी फ्लैट हम लेके आए हैं अफोर्डेबल रेट पे, अफोर्डेबल सोसाइटी के अंदर आप ये समझ सकते हैं, जिसमें हम आपको वो सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे। और इस फ्लैट की खूबसूरती को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। क्या पता आपके एक लाइक और एक शेयर से इस चैनल में और ऐसे लोग जुड़ सकें जिससे जिनको सच में इस फ्लैट की जरूरत हो। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ्लैट के फ्रंट एलिवेशन पे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरती से हमने ये फ्लैट आपके लिए तैयार किया है। साथ ही साथ मैं आपको पार्किंग एरिया एज वेल एज आपको पूरा फ्लैट का व्यू दूंगा, जिसमें आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से हमने ये फ्लैट आपके लिए डिजाइन किया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने फ्लैट के फ्रंट एलिवेशन पे एज वेल एज पार्किंग एरिया में। दोस्तों आ गए हैं हम अपनी गली में जहाँ पे हमारा फ्लैट सिचुएटेड है। तो गली का एरिया देखेंगे, तकरीबन आप गली देखेंगे 5 फुट की वाइड गली है, और ये आप देखेंगे बिल्कुल टी पॉइंट से रिलेटेड अटैच गली है। तो आप देखेंगे बिल्कुल टी पॉइंट की गली है, ना ही इसमें कोई फालतू बंदों की आवाजाही रहेगी, ना ही कोई फालतू मोटरसाइकिल आएगी, ना ही गाड़ी आएगी। आपका बच्चा यदि कोई अपने फ्लैट से गली में खेलना भी चाहे तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के खेल सकता है। फ्यूचर में हम यहाँ पे अपना गेट का प्रोविज़न देंगे, जिससे क्या होगा कि लिमिटेड फ्लैट्स हैं। फ्यूचर में क्या होगा कि आपका इस फ्लैट के अंदर, आपकी इस गली के अंदर का स्कोप ये रहेगा कि जिसमें कोई फालतू बंदा नहीं आ पाएगा। और अब मैं आपको आपको अपना फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ, जिसमें आप देखेंगे हमारी ब्लैक कलर और ब्राउन कलर के और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में हमारा ये फ्रंट एलिवेशन तैयार किया गया है, जिसमें आप देखेंगे हमने हर टाइल के अंदर फास्टनर से उसको स्कोप दिया है, सो दैट फ्यूचर में कभी टाइल से निकल ना पाए और इसकी मजबूती इसी तरह से बरकरार रहे, इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग टाइम की लाइफ बनी रहे। तो आइए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने पार्किंग एरिया। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने सभी मीटर्स का जो ऑप्शन है वो बाहर की साइड दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में देखेंगे कि इस साइड हमने टू व्हीलर का प्रोविजन दिया है। टू व्हीलर अपने यहाँ पे जो भी फ्लैट्स के ओनर हैं वो अपने टू व्हीलर यहाँ पे अपने लगा सकते हैं। और मेरे राइट साइड में आप देखेंगे कार पार्किंग का स्कोप दिया गया है। बहुत ही स्पेशियस एरिया है अगर हम बात करें अपने पार्किंग की। पार्किंग में आप इजीली अपना छोटा मोटा गेट टुगेदर कर सकते हैं, जैसे कि हम हर अपनी बिल्डिंग में ये फ्लैट का ऑप्शन देते हैं कि यदि किसी फैमिली को अपना कोई छोटा फंक्शन करना हो या सबने मिलके कोई डे सेलिब्रेट करना हो, इंडिपेंडेंट डे हो या उस तरह से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर सेलिब्रेट करना तो आप इजीली कर सकते हैं। हमारी ये जो बिल्डिंग है टू साइड ओपन बिल्डिंग है,
टू साइड में आपको क्या रहेगा कि फ्रंट साइड का जो हमारी गली का स्ट्रीट का जो चौड़ाई रहेगी 25 से 30 फुट की गली की चौड़ाई है। काफ़ी स्पेशियस पार्किंग एरिया हमने ये दिया है, जिसमें बैक साइड भी गली का प्रोविज़न है अगर आप चाहें, या कोई भी टू व्हीलर अगर पीछे की गली से भी पार्क करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ मैं आगे की ओर। ये है हमारा मोटर सेक्शन, यहाँ पे हमने सबको इंडिविजुअल मोटर का ऑप्शन दिया है, एज वेल एज अपना प्लगिंग ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना प्लग लगा के अपनी मोटर ऑन कर सकते हैं, सो दैट आपकी टैंकी फिल हो जाए। तो आप आगे देखिए, आगे चल के आप देखेंगे ये लिफ्ट सेक्शन है हमारा। स्टेयर्स में देखेंगे कि 2.5 फुट की टोटल चौड़ाई है स्टेयर्स की, और स्टेनलेस स्टील का हमने पूरा ग्रिलिंग का ऑप्शन इसमें रखा है। आइए अब हम चलते हैं फ्लैट की ओर। वेलकम टू माय फ्लैट। देखिए कि कितनी खूबसूरती से हमने ये 2 BHK दोबारा आपके लिए तैयार किया है, जिसमें आप नीचे देखेंगे कि ब्लैक और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन से हमने डिजिटल विट्रीफाइड टाइल का ऑप्शन रखा है, और ये बहुत ही सोबर टाइल्स हैं अगर टाइल की बात करेंगे तो। इसमें आपका ये लिविंग एरिया मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो आप देखें कि कितना वाइडर लिविंग एरिया है। यहाँ पे आप अपना इजीली यू शेप सोफा भी प्लेस कर सकते हैं, एज वेल एज एल शेप सोफा प्लेस करके यहाँ पे आप अपना LED पैनल लगा सकते हैं। LED पैनल मिलेगा, साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे इंटरकॉम फैसिलिटी दे रहे हैं। इंटरकॉम फैसिलिटी आप बिल्कुल जानते ही हैं, जैसे कि कभी भी कोई भी आपके गेस्ट आते हैं, कोई भी नेबर आता है, कोई भी अननोन पर्सन आता है, तो विदाउट आपकी परमिशन से वो आपके पास नहीं आ पाएगा। आप अलाउ करेंगे तभी वो आपसे मिलने आ पाएंगे। वॉलपेपर देखिए कि कितना खूबसूरत वॉलपेपर ये हमने आपके लिए यहाँ पे इस फ्लैट के अंदर लगाया है, ताकि आपके लिविंग एरिया का टाइल के साथ इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मैच हो रहा है। अब मैं आपको अपने फोर सीलिंग वर्क पे लेके चलता हूँ। देखिए कि कॉप लाइट के साथ हमने फोर सीलिंग वर्क दिया है, बहुत ही सिंपल एंड सोबर ब्लू कलर की लाइट के साथ ये फोर सीलिंग वर्क है। लिविंग एरिया के साथ मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपने जो हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में देखेंगे तो हमने ड्राई एंड वेट का, जैसे हर जगह ऑप्शन अवेलेबल होता है, वही ऑप्शन हमने रखा है। वॉल टू वॉल पूरी टाइलिंग है, और टाइल का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सच में दिल छू जाने वाला कलर कॉम्बिनेशन है। इसमें वॉल टू वॉल टाइलिंग का तो आपको पता ही है कि कल को फ्यूचर में आपको सीलन या इस तरह से कोई मतलब दिक्कत परेशानी फेस ना करनी पड़े। सीट देखेंगे, इसमें हमने आपको वॉल हैंगिंग सीट का ऑप्शन दिया है, क्योंकि अब यही आज के टाइम का मार्केट में ट्रेंड है। साथ ही साथ देखेंगे, आप अंदर से दिखाइए, क्वालिटी के इक्विपमेंट्स यूज किए हैं। हॉट एंड कोल्ड का इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन है, यहाँ पे शॉवर का प्रोविजन दिया है, साथ ही साथ आपको गीजर के लिए हमने अलग से यहाँ पे ऑप्शन रखा है, ताकि आपको कभी गीजर लगाना हो। मैं चाहूंगा कि आप अंदर से मेरे फ्लैट के इस कॉमन वॉशरूम एरिया को खूबसूरती से एक बार प्रेजेंट करिए। आप इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि सच में आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतना प्यारा ये टाइलिंग का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। वॉल हैंगिंग सीट जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो हर कोई चाहता है कि हमें नए तरीके का जो भी इक्विपमेंट मिले वो बिल्कुल नए तरीके का हो। साथ ही साथ आप देखेंगे 8 फिट तक के हमने पूरे डोर का ऑप्शन दिया है, काफ़ी मजबूती वाला ये डोर है। और आप देखेंगे, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने किचन सेक्शन में। ये मेरा जो किचन एरिया है बहुत ही स्पेशियस है, अगर मैं बात करूँ तो 2 बंदे आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये मेरा वॉशिंग एरिया आ गया, जहाँ पे आप अपने सारे बर्तन धो सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको शाफ्ट का एरिया दिया है, सो दैट चिमनी से जितना भी आपका यहाँ पे सफोकेशन होगी वो यहाँ पे शाफ्ट के जरिए आउटसाइड निकल जाएगी। इसके साथ साथ जो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, इसमें जितनी भी हमने फिटिंग रखी है वो सारी शाफ्ट के थ्रू रखी है, सो दैट कभी भी कुछ भी अगर लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है तो शाफ्ट एरिया से उसको कवर कर दिया जाएगा। आपके फ्लैट के अंदर फ्यूचर में कभी भी सीलन लीकेज ये सब चीजों की वाटर लीकेज की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप ये देखिए, क्रीम कलर का हमने क्रीम एंड ग्रे कलर का हमने अपने किचन में सनमाइका यूज किया है, हाईली ग्लोसी सनमाइका है, बहुत ही डिजाइनर लाइट मैंने यूज की है। इसमें स्पेस काफी अच्छा है, यहाँ पे आप अपना आरओ हैंग कर सकते हैं, और ये आपका वॉशिंग एरिया हो गया। मैं चाहूंगा पास से आप वॉशिंग एरिया दिखाइए। जितने भी हमने इसमें टैप के इक्विपमेंट यूज किए हैं वो सारे ही कंपनी के ब्रांडेड हैं,
इसमें आपको कभी कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दैट्स माय वर्ड्स। आपने यहाँ पे आपको इसमें चिमनी दी जा रही है, यहाँ पे होल है, हमने स्पेशल रखवाया है। ये ग्रेनाइट पत्थर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ किचन के सनमाइके के साथ मैच कर रहा है और किचन सेक्शन की शोभा बहुत अच्छे से बढ़ा रहा है। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो आ गए हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो फर्स्ट बेडरूम में आप मेरे देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ मैंने ये डिजिटल पेट्रीफाइड टाइल्स का ऑप्शन रखा है यहाँ पे, जिसकी जिसमें क्या है कि आपकी सोबरनेस बनी रहे। ये अगर आप मेरे वॉलपेपर की बात करेंगे तो 3D कस्टमाइज वॉलपेपर है जो आपके फ्लैट की टाइल्स 3D वॉलपेपर्स की खूबसूरती को काफी अच्छे से बना कर रखा है। अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ आपसे आपके अटैच वॉशरूम के। अटैच वॉशरूम में अगर आप देखेंगे तो हमने वॉल टू वॉल सेम वही ऑप्शन रखा है जो आपने मेरे कॉमन वॉशरूम में देखा। वॉल टू वॉल ब्लैक कलर एंड वाइट कलर का मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा है और वो सेम इक्विपमेंट यहाँ पे भी इस अटैच वॉशरूम में भी यूज हुए हैं जो मेरे कॉमन वॉशरूम में है। और हैंगिंग सीट का ऑप्शन हमने इसमें भी रखा है। साथ ही साथ हमें आपको इसमें क्या और टेस्ट कर सकते थे तो मैं आपको बताऊँ, ये हमने आपके लिए यहाँ पे सफोकेशन ना हो उसके लिए हमने यहाँ पे विंडो का प्रोविजन रखा है ताकि आपको कभी भी फ्रेश एयर लेनी हो तो आप अपने विंडो से फ्रेश एयर ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे आपको विंडो एसी का भी ऑप्शन रखा है। विंडो एसी में क्या है कि आप अपना 1 टन का एसी लगा सकते हैं जिसमें आपकी समर में कूलिंग बरकरार रहेगी आपके रूम में। आप मेरी साथ ही साथ फोर सीलिंग का काम देखेंगे, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं मिलेगी मेरे फोर सीलिंग के काम में। जितनी खूबसूरती के साथ हम आपके लिए फ्लैट बनाते हैं उतना ही हम चाहते हैं कि जब आप इस फ्लैट को देखें तो आपका सच में दिल खुश हो। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सेकंड बेडरूम की ओर। सेकंड बेडरूम में अगर आप देखेंगे, आ गए हैं हम अपने सेकंड बेडरूम के अंदर। तो अगर आप देखेंगे मेरे इस फ्लैट के अंदर जो मेरे बेडरूम का साइज है सब स्टैंडर्ड साइज हम नॉर्मली रखते हैं 10x10, 10x11। तो आप मेरे साइज की बात करेंगे, अगर उसमें फ्लैट के बेडरूम के साइज की बात करेंगे तो देखिए काफी स्पेशियस है। आप यहाँ पे बेड प्लेस करके बोथ साइड आपको ऑप्शन मिलेगा बिकॉज यहाँ पे हमने आपको अटैच अलमीरा भी दिया है। तो आपके लिए एक ये बेस्ट पॉइंट रहेगा कि वुडन वॉल की वॉल तक की पूरी अलमीरा दी गई है आपको। साथ ही साथ आप मेरा वॉलपेपर देखेंगे कि कितना हमने बहुत ही सोबर वॉलपेपर दिया है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं मिलेगी हमारे काम में, इस चीज की हम आपको गारंटी देते हैं। तो आप देखेंगे डिजिटल पेट्रीफाइड टाइल्स हमने इस रूम में भी यूज करी है और कस्टमाइज 3D वॉलपेपर यूज किया है। हर रूम के अंदर हम आपको फैन का ऑप्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ इस रूम में भी देखेंगे मैंने फोर सीलिंग का काम बहुत ही खूबसूरती से किया हुआ है इस रूम में भी। और सेम ऑप्शन आपको इसमें भी मिलेगा, आपको विंडो भी मिल रही है साथ ही साथ आपको विंडो एसी प्लेस करने के लिए विंडो में ऑप्शन भी मिल रहा है। और हम आप अपना अगर बात करेंगे तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके बालकनी एरिया में। बालकनी देखेंगे कि पूरी बालकनी का स्पेस देखेंगे ऑलमोस्ट 2.5 फीट की हमने अब यहाँ पे आपके लिए बालकनी का एरिया रखा है। और अगर आप देखेंगे बालकनी काफी अच्छी हमने स्पेस यूज किया है बालकनी में। यहाँ पे हमने आपको टैप का ऑप्शन दिया है, टैप के साथ आप अपना यहाँ पे इजीली वॉशिंग मशीन लगा के अपना यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं और फ्रेश एयर वगैरह कभी भी आपने सुबह की चाय पीनी हो या कभी अपनी फैमिली के साथ कुछ डिस्कस करना हो या बात करनी हो तो आप अपने बालकनी एरिया में आके कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जैसा आप अपना फ्लैट की खूबसूरती चाहते थे उसी तरह की उसी खूबसूरती के साथ हमने ये फ्लैट आपके लिए तैयार किया है। तो दोस्तों मैं फिर से आपसे यही गुजारिश करूँगा, द्वारका सेक्टर 3 से 200 मीटर की दूरी पे मेरा ये फ्लैट अवेलेबल है। मनसाराम पार्क लोकेशन है, इसके अंदर आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे ये मेरा फ्लैट आपके लिए अवेलेबल है। आपसे दिल से यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बिकॉज आपके एक शेयर से क्या पता किसी को अपने सपनों का घर मिल जाए। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपके लिए हम आपके सपनों का घर बना के देते रहें और आपसे एक अच्छा रिलेशन लाइफ टाइम का हम बनाए रखें और आपका दुआ और आशीर्वाद मिलता रहे हमें और खूबसूरत खूबसूरत आपके लिए फ्लैट बनाते रहें। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।